हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर का, उसका पेपर 15th मई को जो हुआ है, ठीक है, 15th मई 2022। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर यूनाइटिंग इंडिया ही वॉन्टेड टू यूनाइट द मिडल ईस्ट एंड वेस्टर्न एशिया विद हिम एज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड एम्पायर। तो ये आर पी त्रिपाठी जी ने लिखा है, तो ये किसके बारे में उन्होंने कहा है, मुगल एम्पायर के बारे में, तो ये था अकबर। नो गवर्नमेंट नॉट इवन द ब्रिटिश हैज शोन सो मच विजडम एज दिस पठान। ये किसके बारे में कहा गया है, ये कहा गया है शेर शाह सूरी के बारे में। तो ये किसने लिखा था ये पूछा है, तो ये लिखा था एच जी किन्ने ने। नेक्स्ट है, हु अर्न द टाइटल रिक्रूटिंग सर्जेंट ऑफ ब्रिटिश। एक महात्मा गांधी जी को कहा गया था, इनको ये टाइटल दे दिया गया था कि वो रिक्रूटिंग एजेंट थे ब्रिटिश के लिए, किसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो लोगों को हायर कर रहे थे। बट उनका व्यू था, क्योंकि इंडिया को उनको आज़ाद कराना था, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे ब्रिटिश की हेल्प करके, ताकि वो इंडिया को फ्रीडम दिलवा सके जल्दी से जल्दी। ये कौन थे, महात्मा गांधी। हु रोट द बुक इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है, ये तो बहुत ही पॉपुलर बुक है, 1946 में लिखी गई थी और ये राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्निंग पॉइंट इन जवाहरलाल नेहरूज मेंटल डेवलपमेंट केम विद हीज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ब्रुसेल्स कांग्रेस अगेंस्ट क्रॉनिकल ऑपरेशन एंड इंपीरियलिज्म इन फरवरी 1927। हु रोट दीज वर्ड। अब यहाँ पे क्या किया है, एक बुक का एक पैसेज यहाँ पे दे दिया गया, पूछा कि किसने लिखी है ये बुक, तो ये बुक एस गोपाल जी ने लिखी थी, उस बुक में ये मेंशन है। द ऑफर ऑफ क्रिप्स रियली गेव अस नथिंग, तो ये स्टेटमेंट है अगेन, और ये पूछ रहा है कि वर्ड किसने लिखे हैं, तो ये वर्ड लिखे हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने, अपनी बुक था, बुक का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम वाले बुक में लिखा था उन्होंने। नेक्स्ट है, विच इंसिडेंट या इंसिडेंट्स शॉक्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेन एटली हु हैड टू डिक्लेयर द एडिफिस ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म हैड सफर्ड अ सीवियर जोल्ट। तो ये कौन, मतलब किस इंसिडेंट के लिए वो शॉक हो गए थे, तो वो था कैंपेन ऑफ INA एंड रिवोल्ट ऑफ रॉयल इंडियन नेवी का, ठीक है जी। हु हेल्ड फ्री इंडिया फर्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ करेज एंड विजन। तो ये किसने हेल्ड किया था, मतलब किसने प्रेज किया था कि इंडिया का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो आउटस्टैंडिंग लीडर है करेज और विजन का, तो ये इसका आएगा ई। इसमें एक लेडी थी जिन्होंने कोट किया था, विजया लक्ष्मी जी, इसलिए नन ऑफ दीज आएगा ई आंसर। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई, तो कौन था, मंगलिपुत्ता तिशा। वट वॉज द फोर्स बिहाइंड द फिरोज शाह तुगलक पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग जागीर। तो जागीर सिस्टम के लिए उनका मतलब क्या फोर्स क्या था कि उन्होंने ग्रांट किया था जागीर सिस्टम को, तो ये था ट्रिम्फ ऑफ उलेमास। उलेमास का जो उदय हो रहा था, क्योंकि हर एक डिसीजन, मेजर डिसीजन वो उलेमास के राय विचार से ही लेता था ये तुगलक, तो यही मेन रीजन था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द प्रोविंस ऑफ बिहार एडेड टू द प्रोविंस ऑफ बंगाल। बंगाल प्रोविंस में कब बिहार प्रोविंस ऐड किया गया था, तो इसका जो एक्चुअल ईयर था वो था 1765 AD में, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज आएगा। विच ब्रिटिश ऑफिशियल रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट मुस्लिम ऑफ पटना वर इन कॉरस्पॉन्डेंस विद 64th नेटिव इन्फेंट्री नियर पेशावर एंड अर्ज टू इट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो कौन वो ब्रिटिश ऑफिसर था, ये पूछ रहा है कि ब्रिटिश ऑफिसर का नाम क्या था। वो पंजाब का कमिश्नर था, बेसिकली जुडिशियल कमिश्नर, नाम था रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। विच राजा राजेंद्र अ वेरी वैल्यूएबल असिस्टेंट। जब ये 1888 का इलाहाबाद का सेशन होने वाला था, तो ब्रिटिश लोगों ने बहुत अपोज किया था कि नहीं होने देना है, बट जगह भी नहीं थी कहाँ पे किया जाए, तो लास्ट में राजा दरभंगा जो थे, महाराजा धीराज, उन्होंने जमीन दी थी, स्पेस दिया था मीटिंग करने के लिए, तो राजा ऑफ दरभंगा महाराजा धीराज। हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन पटना सिटी ऑन 11th अगस्त 1942। इस दिन क्या हुआ था,
सेवन स्टूडेंट्स मारे गए थे, उन पर गोली चलाई गई थी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स का तो यहाँ पे है नहीं, ज़मींदार, चिफेटेंस, रिक्शा पुलर, इक्का ड्राइवर, सल्टन सेक्शन ऑफ सिटी नहीं, नन ऑफ दीज आएगा बिकॉज दे वर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, इन प्री गुप्ता टाइम्स अ लार्ज नंबर ऑफ लेड कॉइन, लेड कॉइन सदवान ने, प्री गुप्ता टाइम्स में बहुत सारे कॉइन चलाए गए थे, कॉपर का भी था, लेड का भी था, गोल्ड सिल्वर का भी था, तो सतवाहना ने चलाए थे सबसे ज़्यादा लेड कॉइन्स। द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वॉज लार्जली ड्यू टू द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ अशोका पॉलिसीज, ये बात पे कौन विश्वास करता, मतलब ये इस फैक्ट पे कौन विश्वास, हु बिलीव दिस फैक्ट, किसको विश्वास है इस फैक्ट पे, तो इस फैक्ट पे विश्वास है किसको, रोमिला थापर जी को। हु वॉज द ऑथर ऑफ फेमस अलाहाबाद प्रशस्ति, कौन था, हरिशेन था। बाराबुद्दूर इज द मोस्ट वंडरफुल स्तूपा इन द वर्ल्ड एंड इट्स इमेज एंड स्कल्पचर आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया में, बुद्धा का, तो इसमें कौन सी आर्ट है, तो इसमें आर्ट है इंडो जेवनीज आर्ट। हीज थियरी ऑफ किंगशिप वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेस्टीज, पावर एंड जस्टिस, हु सेड दिस वर्ड अबाउट द बलबन, बलबन के बारे में ये बात किसने कही थी, तो ये कही थी बर्नी ने। Thus to Alauddin belongs a credit to being the first Turkish Sultan of Delhi to bring the church under the control of the state and to usher in factors that might make the state secular in theory. अब ये वर्ड किसने लिखी थी और कौन सी बुक में लिखी थी ये पूछ रहे हैं, ये बेसिकली ए एल श्रीवास्तव जी ने कमेंट किया था या फिर उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। इन 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैड द हाइएस्ट एक्रीज इन इंडिया, एक्रीज मीन्स होता है हाइएस्ट, जिसमें क्रॉप को हाईएस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में क्रॉप को लगाया गया हो, तो वो था राइस, पैडी। विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकेंड नंबर पे था वीट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर ओर, कॉपर सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, सेकेंड नंबर पे है झारखंड में। द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न यूपी एंड बिहार इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन, किस में है, मिडिल गंगा प्लेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटर ऑफ टेक्सटाइल, सेंटर ऑफ टेक्सटाइल कौन सा है, तो हम जानते हैं पहले था मुंबई में बट अभी है अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में कौन सा है, शानंद। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरी हैज़ लोएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, कौन सा है, चंडीगढ़ है, ओनली 6 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट का एरिया। सोमेश्वर रेंज इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, सोमेश्वर रेंज बिहार के ऊपर वाले क्षेत्र में, नॉर्दर्न रेंज में है, बेसिकली जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, तो ये शिवालिक रेंज की के बाद का रेंज है, बेसिकली नन ऑफ दीज आना चाहिए, शिवालिक रेंज भी आ सकता है, देखते हैं कमीशन क्या देता है आंसर, बट ये इंडिपेंडेंट है, शिवालिक रेंज के बाद आता है, तो इंडिपेंडेंट के लिए ई होना चाहिए। द लैंड ऑफ बिहार इज ड्रेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। इन बिहार द टर्म बालसुंदरी, ताल, करैल एंड बालथर आर यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है, सॉइल के टाइप्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ नो लैंड अंडर फॉरेस्ट, मेरे हिसाब से अगेन इसका आंसर ई होना चाहिए, क्योंकि नो लैंड पूछा है, नो मीन्स जीरो, तो जीरो इस सभी में है, तो जीरो के लिए वास्तव में कौन है, तो जहानाबाद में जीरो है, जहानाबाद में कोई भी फॉरेस्ट एरिया नहीं है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। कहलगांव, कांटी, बार और नावीनगर, तो कांटी, बाढ़ और नावीनगर और कहलगांव में क्या है, थर्मल पावर प्लांट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, हाइएस्ट ग्रोथ रेट किस में था, ये था किशनगंज में, कितना ग्रोथ रेट था, 30.4%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बिहार, बिहार में कहाँ पे है, बिहार में है भागलपुर में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिवर्स, विक्टोरिया एंड चांद भी है और मुरे एंड डार्लिंग भी है, ऑस्ट्रेलिया के रिवर्स हैं, तो आंसर आएगा ई, क्योंकि दो ऑप्शन सही है, आंसर आएगा ई। हैदराबाद सिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन से सिटी में है, हिंदुस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो आंसर आएगा ई, सिंध प्रोविंस में है, पाकिस्तान में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल डिपॉजिट, सबसे ज़्यादा कोयला किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा कोयला यूएसए के पास है, सेकेंड नंबर पर रशिया, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तो फर्स्ट नंबर का आएगा यूएसए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन 2020 में, क्या लीडिंग प्रोड्यूसर व्हीट का कौन था, तो लीडिंग प्रोड्यूसर था चाइना, कितना, 760 मिलियन टन इसने प्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स,
इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज डिवाइड्स द गंगा प्लेन एंड डेक्कन प्लेट्यू, तो कौन सा है, विंध्या। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फ्लोइंग ईस्टवर्ड, मतलब वेस्टवर्ड फ्लो कर रही हो, तो वेस्टवर्ड में नर्मदा भी है और गंगावली भी है, तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए आंसर आएगा ई। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को हम रेगुर भी कहते हैं, देसी भाषा में इसको रेगुर कहा जाता है। हालांकि ब्लैक सॉइल जो है वो कहाँ पे, राजस्थान में पाया जाता है, गुजरात के सी एरियाज में पाया जाता है, वहाँ पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। हु वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, नॉन कांग्रेस जो है मतलब जो कांग्रेस के नहीं थे वो कौन थे चीफ मिनिस्टर बिहार के, ये थे महामाया प्रसाद सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, हु विच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ फोर सीट्स इन बिहार विधानसभा एंड वन सीट इन बिहार विधान परिषद, तो चार सीट जो है विधानसभा में है और एक सीट जो है वो INC, AIM, VIP और VVP। तो देखिए मेरे हिसाब से इसमें किसी का भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, किसने सपोर्ट किया था रिमूव करने के लिए, जो आर्टिकल 370 हटा था जम्मू कश्मीर से, तो सपोर्ट किसने किया था, BSP ने। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल JDU ने। विच ऑफ द पोलिटिकल पार्टी सपोर्टेड द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज बिल जो आया था 2019 में इन द राज्यसभा, तो कौन सा पार्टी जो है वो सपोर्ट किया था ये पूछ रहा है, तो इसमें से कोई भी नहीं हो, कोई भी पार्टी ने सपोर्ट इसमें से नहीं किया था। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, अभी कौन है, जस्टिस संजय कारोल। हु इज़ द पंचायती राज मिनिस्टर इन बिहार, पंचायती राज मिनिस्टर कौन है बिहार में, तो पंचायती राज मिनिस्टर है समृत चौधरी। नेक्स्ट देखते हैं, काउ स्लॉटर वॉज बैंड बाई द लॉ इन बिहार इन विच ईयर, कब बंद किया गया था, तो इसको बंद किया गया था 1955 में, गौ हत्या जो है 1955 में बंद किया गया था। नेक्स्ट है 49 कहता है हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जो काउंसिल में है वो अपोजिशन लीडर में कौन है, तो ये है तेजस्वी प्रसाद यादव। हु अमंग द फॉलोइंग हैज सर्वड द एज द गवर्नर ऑफ बिहार ट्वाइस, दो बार कौन बिहार का गवर्नर रहा है ये पूछा है, तो ये है अलकर रहमान किडवी। नेक्स्ट देखते हैं 51 क्या कह रहा है कि रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन, रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो सबसे पहले कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये सॉरी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। NAFED इज एन, ये NAFED क्या है, NAFED क्या है, एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इनक्वालिटी ऑफ इनकम इज मेजर्ड बाई, इनक्वालिटी इनकम का किसे मेजर किया जाता है, गिनी लॉरेंज रेशियो में। ड्यू टू ऑयल क्राइसिस मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री फेस द प्रॉब्लम ऑफ, अब ऑयल क्राइसिस जो भी हो रहा है इसकी वजह से मोस्ट कंट्री में क्या हो रहा है, तो हम सभी को पता है ये तो इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। हु रोट द बुक इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस की जो बुक है वो किसने लिखी थी, सिटी कोरिया ने लिखी थी। बिहार एज रूरल लिटरेसी रेट ऑफ, सेंसस का डेटा है कितना है, 43.9%। झारखंड वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिहार इन, कब था, 2000 में अलग हुआ था, तो कह रहे कि किस साल में था, तो अब यहाँ पे देख लीजिए बाकी सब 2000 से ऊपर है, 2000 से पहले का एरिया 57 का ए। वट इज द तिनकठिया मेथड इन बिहार, तिनकठिया मेथड जो है बिहार में वो क्या है, तो ये एक आर्म्स मेथड है। हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लोकनायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को बोलते हैं, 59 का सी। सेवन निश्चय योजना कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन बिहार इन, तो ये सेवन निश्चय योजना कब स्टार्ट किया गया था ये पूछ रहे हैं, तो ये स्टार्ट किया गया था 2015 में। द फिस्कल डिफिसिट ऑफ बिहार इन द ईयर ऑफ 2021-22 इज, इतना परसेंट ऑफ द GDP का कितना परसेंट है, फिस्कल डिफिसिट जो इसमें ईयर है वो है 21-22 के लिए, तो 21-22 के लिए पूछा है, तो ये है 2.97। विच कमिटी रिकमेंडेड इंटरिम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ILAF, कौन सी कमिटी जो है रिकमेंड की थी ILAF को, तो ये है नरसिम्हन कमेटी।
द स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल कौन सा एक्सपेरिमेंट, चाइना, रशियन, अमेरिका या जर्मन, कहाँ का एक्सपेरिमेंट था? तो ये चाइनीज एक्सपेरिमेंट था। इंडिया ज्वाइन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन WTO को कब ज्वाइन किया था इसने? तो ये ज्वाइन किया था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोडवेट इज रिलेटेड टू, मोडवेट क्या है और किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एक्साइज टैक्स। 66 देखते हैं, वेन वॉज द पूना पैक्ट साइंड, कब साइन किया गया था पूना पैक्ट को? तो पूना पैक्ट का डेट 24 सितंबर 1932। द जस्टिस पार्टी इन मद्रास मेड द एक्सपेरिमेंट ऑफ डायरकी इन सक्सेस इन द प्रोविंस बिकॉज ऑफ देयर, तो डायरकी सक्सेस जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस हुआ था मद्रास में, तो कह रहे कि वो उसका कारण क्या था? उसका कारण था एंटी ब्राह्मिन स्टैंस। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द वेद नारायण सत्याग्रह इन अप्रैल 1930 में जो वेद नारायण सत्याग्रह हुआ था, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? इसको ऑर्गेनाइज किया था सी राजागोपालचारी ने। विच कैन बी राइटली सेड टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि एकदम सही रिप्रेजेंट कर रहा है चंपारण सत्याग्रह को? यह है ज्वाइनिंग द पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। द एडवोकेट हु अपीयर्ड फॉर द INA ट्रायल एट दिल्ली इन 1945-46 वाज, तो एडवोकेट कौन थे इसमें? एडवोकेट थे भोला भाई देसाई। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन कनेक्ट विद द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन द करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर में, क्रॉनिकल ऑर्डर में हमें लगाना है। मुस्लिम डिलीवरेंस डे, डायरेक्ट एक्शन डे, रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स मिनिस्ट्रीज, इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसको आपको ऑर्डर में लगाना है। तो जब हम इसको ऑर्डर में लगाएंगे तो आपको ऑर्डर मिलेगा 3-1, सबसे पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर फोर्थ नंबर का हुआ था, फिर सेकेंड नंबर का हुआ था, तो करेक्ट ऑर्डर आएगा ए 3-1-4-2। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्रॉनिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? डेक्कन राइट, इंडिगो एजिटेशन, मूवमेंट अगेंस्ट लैंड एलियन अलायंस इन पंजाब या फिर पत्नी मूवमेंट, तो अगेन इसको हमें क्या क्रॉनिकल सीक्वेंस में लगाना है, तो ये आएगा। अब इसका एक्चुअली कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है, ईयर वाइज अगर लगाओगे कोई भी सीक्वेंस नहीं बनेगा, तो ये आएगा ई। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर फ्रॉम द बिहार अपियर्ड बिफोर द हमोन कमीशन एट रांची टू डिमांड वोटिंग राइट्स फॉर द दलित्स, तो दलित के लिए जो वोटिंग राइट के लिए हमान कमीशन बना था, तो कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स, तो कौन सा लीडर थे जो बिहार से थे? ठीक है, तो ये थे बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वेज्ड अ रिवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बिहार इमीडिएटली आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर? बैटल बक्सर के बाद कौन थे जो रिविलियन की तरह आए बिहार से ब्रिटिश के अगेंस्ट में? तो वो थे चैत सिंह। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग 7 मार्टियर्स ऑफ पटना ड्यूरिंग द क्विट इंडिया, अभी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट जो बीएन कॉलेज में मारे गए थे, उनको गोली से मार दिया गया था, शहीद हुए थे बेसिकली, शहीद स्मारक जो है पटना में वो भी इन्हीं के लिए है। तो कह रहा है कि 7 पढ़ना वॉज स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट थे इसमें से? नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो नाम आपको इसमें से सिर्फ यही थे, बाकी ये सब नहीं थे। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड द मूवमेंट उलगुलान मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था? तो उलगुलान मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले थे बिरसा मुंडा जी झारखंड के। हु अमंग द फॉलोइंग वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्का मूवमेंट, इक्का मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इक्का मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है पीजेंट्स ऑफ हरदोई के जो किसान लोग थे वो, ब्रेज के एटसेट्रा इन अवध। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वायसराय वॉज स्टैब्ड टू डेथ इन अंडमान आइलैंड पे कौन सा वायसराय को मार दिया गया था? तो ये थे लॉर्ड मायो को मार दिया गया था
द फ्रंटियर गांधी इज नोन टू हैव सेड दैट दे हैव थ्रोन टू द वुल्व्स हिम एंड हिज मूवमेंट हुम इज रेफरिंग टू. हम किसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है सेंटेंस से, तो ये सेंटेंस है कांग्रेस लीडरशिप के लिए. हुम डिड द चीफ खालसा दीवान डिक्लेयर एज फॉलन सिख एंड क्रिमिनल्स. तो यहाँ पे किसको बोला गया था ऐसा, तो ये इसके लिए तो कह रहा है कि किसको, ऑप्शन होगा इसमें गदर रिवॉल्यूशन को ऐसा बोल के डिनोट किया गया है. ठीक है, फॉलन सिख एंड क्रिमिनल्स, आंसर आएगा बी. नेक्स्ट, इफ द एवरेज ऑफ एट ऑब्जर्वेशन इज 16, आठ ऑब्जर्वेशन का एवरेज है 16 एंड दैट ऑफ द फोर ऑब्जर्वेशन इज 64, देन द एवरेज ऑफ 8 प्लस 4 12 ऑब्जर्वेशन. तो एवरेज जब भी हम ऑब्जर्वेशन का ऐड करते हैं तो पहले उसको मतलब ब्रेक करना पड़ता है, फिर हम दोबारा से ऐड करते हैं. तो कह रहे हैं वो कितना होगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 32. इन स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स. ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स. फिजिक्स के लिए पूछा है, आप इसको बार चार्ट से सिंपली प्लॉट कर सकते हो. आंसर आएगा इसका सी 12. नेक्स्ट है द 101 मतलब 100 फर्स्ट टर्म पूछ रहा है ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो मतलब यहाँ से अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो जो 101वां टर्म आएगा वो क्या होगा. तो एपी सिंपली हम nth टर्म निकालने का फॉर्मूला जानते ही हैं, तो जब हम इसको फाइंड करेंगे तो आएगा 605, मतलब आंसर ए. द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन है, आप इसको सिंपली रूट फाइंड कर सकते हो, अल्फा और बीटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a. तो आपको इसका रूट मिलेगा 84th का सी, मतलब माइनस अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 2. नेक्स्ट 85th, गिवन दैट, ये दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली, ये तो बहुत आसान है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको आंसर सिंपली मिल जाएगा. तो 85th का आंसर जो आएगा वो आएगा डी 2 एंड 2, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी 2. द वैल्यू ऑफ, ये एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, तो इसका आंसर आएगा 2, मतलब आंसर आएगा डी 87. द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज दिस मच. अब कह रहा है कि इफ़ इट इज इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ, इंक्रीमेंट का रेट दिया हुआ 10%, देन वॉट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10% जो है पर ईयर मूव इंक्रीज हो रहा है, तो पहले 10 साल में कितना हो जाएगा इसका, 10% बढ़ेगा. अब दोबारा जो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह इसको हम इंक्रीज कर लेंगे, फिर 10% इंक्रीमेंट का 10% कितना होगा, इस तरह से जब आप ऐड करोगे दो बार तो आपको सिंपली इसका आंसर मिलेगा 19965. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिसिंग नंबर इन द सिक्वेंस, यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए. तो देखो आप इसको देखो तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे 1 कि जो प्रीवियस 2 नंबर्स हैं उसका मल्टीपल हो रहा है आगे वाला, 2 3 जा 6 6 3 जा 18, तो 18 6 जा, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 18 × 6 तो आएगा 108, तो 88 का आ गया सी. नेक्स्ट देखते हैं, एट 4:30 AM व्हाट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन आवर एंड एंड मिनट हैंड. तो घड़ी हम जानते हैं कि 4 है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, 4 5, तो 4:30 मतलब 4 ये जो आवर का हैंड होगा वो सेंटर में होगा और मिनट का हैंड होगा यहाँ पे. तो कह रहा है इसके बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा होगा. ठीक है, तो आप 30 मिनट को आप डिवाइड कर दो एंगल से कि 90 डिग्री यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, और इसके बीच में टाइम का डिफरेंस कितना होता है, 3 आवर्स का, मतलब यहाँ पे 3 बज रहे होते हैं, यहाँ पे 6 बज रहा होता है, तो 3 आवर्स में 90 डिग्री बनता है. तो आवर आवर में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, उसके बाद आप एंगल से डिवाइड करके 30 मिनट में कितना आवर मूव करेगा उतना माइनस कर देना, ये आपको मिल जाएगा. तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 45 बी. इफ NC9 और NC8 इक्वल है, तो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ N, तो कौन सी कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे N की वैल्यू और N की 9 और 8 की वैल्यू इक्वल होगी, ये होगी 17 के लिए, मतलब B. 91 देखते हैं, इन बिग शोरूम एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स द विजिलेंस मिरर,
विजिलेंस मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लार्जर स्पेस को कम एरिया में कंसंट्रेट करके दिखाता है, तो पूरे शोरूम को इजीली कवर अप कर सकता है कॉन्वेक्स मिरर। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग इट नियर अनदर चार्ज कंडक्टर विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं इंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट डिजॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर बाय देयर एब्जॉर्प्शन ऑन एन एप्रोप्रिएट मटीरियल्स, इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। 93 का होगा सी। द अल्फाबेट एक्स स्टैंड फॉर, जो एक्स रे जब बना था, एक्स रे उस समय इस रे के बारे में पता नहीं था, तो उस समय इसको क्या बोला गया, अननोन, तो इसलिए उस समय इसको अननोन बोला गया। और बेसिकली इसका इन्वेंशन हुआ था 1895 में, तब इसका इन्वेंशन हुआ, तब इसके बारे में पता नहीं था कि कौन सी रे, इसलिए इसका नाम एक्स रख दिया गया था। इसका मीनिंग है यहाँ पे अननोन, एक्स हम जनरली डिनोट यूज़ करते हैं अननोन को डिनोट करने के लिए, इसका कोई नाम नहीं है एक्स रेज का, इसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, बट इस एक्स रेज नेम से मतलब अननोन है, एक्स का मीनिंग है यहाँ पे अननोन। 95, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, वाटर गैस किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एक्सेलेंट, वाटर इज एन एक्सेलेंट कूलिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स, क्यों होता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट काफ़ी है होती है, स्पेसिफिक हीट रिटेंशन जो है इसकी काफ़ी है होता है, इसलिए कूलिंग एजेंट माना जाता है इसको। 96 का हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं 97, कोलाइड है पार्टिकल साइज रेंज बिटवीन, कोलाइड्स की जो पार्टिकल साइज रेंज होती है वो कितनी होती है, 10^-5 टू लेके 10^-7, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक, ठीक है। 97 का हो गया डी। नेक्स्ट, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमॉर्फस कार्बन कौन सा होता है, सुगर चारकोल। 98 का हो गया बी। द मॉडर्न एटॉमिक सिंबल आर बेस्ड ऑन मेथड प्रपोज्ड बाय, तो पहले जो था वो डेल्टन पे बेस्ड था, डाल्टन ने जो दिया था उस पे, और मॉडर्न जो है वो बेर्जिलियस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है ये पूछा है, तो केमिकल चेंज का करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, इट इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी भी होता है, हीट एब्जॉर्प्शन भी होता है और एमिशन भी होता है, तो नो नेट चेंज इन एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड, ये गलत है। यहाँ पे पूछा कि कौन सा नहीं होता, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। सब्सटेंस दैट रीडिली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अदर सब्सटेंस विदाउट केमिकली रिएक्टिंग विद देम आर कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेसिशेंट, डेसिशेंट। बेसिकली डेसिशेंट जो होता है, डेसिशेंट ये क्या करता है, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो H2SO4 होता है, सिलिका जेल होता है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। इनहेलेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, होमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है और खून में मिल जाता है, बाद में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी का घट जाता है, तो 102 का हो गया बी। 103 देखते हैं, क्लोन्स ऑफ एनिमल्स आर बींग प्रोड्यूस्ड थ्रू प्रैक्टिस ऑफ, क्लोरीन जो क्लोन बन रहा है एनिमल्स का वो किसके थ्रू बन रहा है, वो बायो टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, बायो टेक्नोलॉजी। 103 का हो गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ इन सेल ऑफ मैंगो प्लांट एंड मंकी, कौन से दोनों में कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स अ मसल टू बोन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, बल्कि ये कई बार आता है, मसल और बोन को जो कनेक्ट करे उसको टेंडिम बोलते हैं, और मसल मसल को जो सॉरी बोन बोन को जो कनेक्ट करे उसको हम लेगामेंट बोलते हैं, बोन टू बोन, बोन टू बोन और बोन टू मसल टेंडन। द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट गिव्स राइज टू अ फ्रूट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओवरी, जो हम खाते हैं फ्रूट का फ्लावर वो क्या, कौन सा पार्ट होता है, ओवरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल साइंटिफिक नेम, बाइनोमियल साइंटिफिक नेम जो है उसमें से कौन सा नीचे का एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी, स्नो लेपर्ड, इसमें से बायोलॉजिकल नेम, बायोनोमिकल साइंटिफिक नेम कोई भी नहीं है, चाइना रोज ये भी नहीं है, आंसर आएगा ई। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेट हो रहा हो मतलब ट्रांसफर हो रहा हो, मोस्ट कॉमन इसमें से कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन इसमें से है हाउस फ्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का बेस्ट सोर्स क्या है,
कैरेट. द टाइप ऑफ ज्वाइंट फाउंड एट शोल्डर इन इज ऑल्सो फाउंड एट. जो शोल्डर पर ज्वाइंट होता है वो और कहाँ पे मिलता है, तो हिप पे मिलता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स मोस्ट एक्टिवली फंक्शन टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर. कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यह है स्किन. टेम्परेचर की रेगुलेशन स्किन का काम है. ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ. ईस्ट कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, ईस्ट किसके प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो ये अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं. वन जेप्टो इज इक्वल टू, वन जेप्टो होता है 10^-21 के बराबर, तो 113 का हो गया. सी द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम क्लॉक इज. टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम क्लॉक का वो कितने के बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 सेकेंड्स के. अ सडन राइज इन द बैरोमेट्रिक हाइट. राइज होता है और फॉल, दोनों का इंडिकेशन अलग अलग है. सडन राइज अगर हो रहा है तो होगा एक्सट्रीम ड्राई वेदर, अगर ग्रेजुअल राइज हो रहा है तो ड्राई वेदर. सडन फॉल हो रहा है मतलब सडन फॉल, तो साइक्लोन, और अगर ग्रेजुअल फॉल हो रहा है तो पॉसिबिलिटी ऑफ रेन. ठीक है, तो चारों कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, सडन राइज, ग्रेजुअल राइज, सडन फॉल, ग्रेजुअल फॉल. सडन राइज में आएगा एक्सट्रीम ड्राई वेदर. ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर ऑफ वाटर, कह रहा है कि कौन सा प्रोसेस जो वाटर का वो हेल्प करता है प्रिजर्विंग एक्वेटिक लाइफ. तो ठंडी के टाइम में क्या होता है, ऊपर का लेयर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, बट नीचे के लेयर में 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जो कि हेल्प करता है एक्वेटिक लाइफ जो नीचे रह रहे हैं उनको सर्वाइव करने के लिए. तो आंसर आएगा एक्सपेंशन. एक्सपेंशन इसको बोलते हैं एनोमलस एक्सपेंशन. एनोमलस एक्सपेंशन तो 116 का हो जाएगा बी. नेक्स्ट देखते हैं 117. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस. कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, तो आंसर हो जाएगा ई. 117 का हो जाएगा ई. इन अ बार्बर शॉप टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड. दो जो प्लेन मिरर होते हैं नाई की दुकान पे, वो उसका ओरिएंटेशन पूछ रहा है कि उनका ओरिएंटेशन कैसा होता है. पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं ताकि एक का इमेज दूसरे पे फॉर्म हो. द हियरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ कैट. कैट का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो क्या है, 45-64 हर्ट्ज. बट आपको कई जगह पे अलग अलग आंसर भी मिलेगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर ई भी हो सकता है, क्योंकि इसकी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 48-85 हर्ट्ज. एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 45-85 हर्ट्ज, तो आंसर ई भी हो सकता है. बट यहाँ पे इसके नियरेस्ट आंसर है ये, तो ये आंसर टिक कर सकते हैं. व्हेन अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ, नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स. न्यूट्रल पॉइंट किसको बोलते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक बार का फील्ड की इंटेंसिटी और जियोग्राफिकल मैग्नेटिक फ्लक्स की इंटेंसिटी बराबर हो जाए, वहाँ पे जीरो हो जाएगा. तो कितने पॉइंट्स होंगे, वैसे 2 पॉइंट्स होते हैं दोनों साइड में, तो 120 का हो जाएगा ए. नेक्स्ट देखते हैं. Which has become the only city in India in 2020 to be recognized as a tree city of the world in recognition of the city commitment to grow and maintain urban forest. तो इंडिया का कौन सा ऐसा सिटी था जो कि इसके अंडर आया था, तो ये है हैदराबाद. According to World Air Quality Report 2020, which of the following capital has been found as the most polluted capital? The most polluted capital 2020 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो आया था उसके अकॉर्डिंग कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग है नई दिल्ली. ये वर्ल्ड में द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन. राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल दिया गया, तो नया नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड. विच कंट्री वोन द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020. कौन सा कंट्री था, यह था अमरीका. अंडर द मार्स मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग अरब कंट्रीज हैज लॉन्च इट्स स्पेस क्राफ्ट नेम्ड होप अल अमल टू मार्स. ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था क्योंकि इनका पहला प्राइवेट, मतलब किसी भी अरब कंट्री का पहला एक सेटेलाइट था जो कि लॉन्च हुआ था, इसलिए बहुत ही न्यूज में आया था. UAE ने इसको लॉन्च करवाया था. विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स टू ऑल वीमेन इन देयर कंट्री. कौन कंट्री है जो सारे सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री में वीमेन को प्रोवाइड किया था, तो ये है स्कॉटलैंड. द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग QSD ऑल्सो नोन एज क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. ये अभी रिसेंटली फॉर्म हुआ था, इंडिया है, USA है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है. ठीक है, तो आंसर है सी. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द नोबेल प्राइज. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द नोबेल पीस प्राइज.
नोबेल पीस प्राइज को कौन डिसाइड करता है? नोबेल पीस प्राइज को कौन डिसाइड करता है? नॉर्वे नोबेल कमिटी। नागोशी ओकोंजो इवेलिया बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO का की पहली हेड है ये। सी हेल्स फ्रॉम विच कंट्री, मतलब वो कहाँ से बिलोंग करती है, कौन से साउथ अफ्रीका में कौन से कंट्री से? तो ये बिलोंग करती है नाइजीरिया से। तालिबान हैज चेंज द नेम ऑफ अफगानिस्तान, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अफगानिस्तान? तो अफगानिस्तान का नया नेम क्या है? इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। हु हैज़ वन द US ओपन मेन्स सिंगल ग्रैंड स्लैम 2021 का? बाई डिफीटिंग सर्बियन वर्ल्ड नंबर वन। अब कौन है इसका? तो इसके जो विनर है वो है डेनिल मेडवेव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया क्वेश्चन। विच फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मैन्युफैक्चर्स कोविशील्ड वैक्सीन? ये बहुत पॉपुलर है, कोविशील्ड को कौन मैन्युफैक्चर कर रही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर इंडिया जो पुणे में है उसने इसको मैन्युफैक्चर किया था। नेक्स्ट है व्हाट इज सिपेक, सिपेक प्रोजेक्ट क्या है? सिपेक प्रोजेक्ट जो है वो एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंडिया इज फर्स्ट किसान रेल स्टार्टेड इट्स जर्नी ऑन 8 अगस्त 2020 बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेशन, कौन से दो स्टेशन के बीच में चालू हुआ था? तो ये चालू हुआ है देवलई महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच में। हु फ्रॉम बिहार हैज कन्फर्ड द पद्म भूषण अवार्ड ऑन 26 जनवरी 2021? तो बिहार के कौन है वो? तो बिहार के हैं रामविलास पासवान जी को, इनको मृत्युपर्यंत दिया गया है पोस्टमस्टली। हाउ मेनी फ्रॉम बिहार वर्ड कन्फर्ड द पद्मश्री अवार्ड इन द डिफरेंट फील्ड ऑन 26 जनवरी 2021? 26 जनवरी 2021 को कितने ऐसे बिहार से हैं, बिहार के हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया जो कि अनाउंस हुआ था 26 जनवरी 2021 को? तो ये हैं 4, टोटल 4। ए नेक्स्ट, हु फ्रॉम बिहार वॉज कन्फर्ड द पद्मश्री अवार्ड फॉर ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन? मेडिसिन में इसमें से किसको मिला है? तो मेडिसिन में मिला इनमें डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को। हु फ्रॉम बिहार हैड रिसीव्ड द परमवीर चक्र फॉर एग्जेम्पलरी ब्रेवरी इन 1971 इंडो पाक वॉर? तो इनका जो काम था 1971 जो इंडो पाक वॉर हुआ था उसमें एक्सलेंट वर्क के लिए पद्मवीर चक्र जो मिला है वो किसको मिला है इसमें से? तो वो मिला है एल्बर्ट एक्का को। नेक्स्ट देखते हैं 139। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम बिहार हैज रिसीव्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड? किसने रिसीव किया है? ये अशोक कुमार को मिला है। विच इंडियन जर्नलिस्ट एंड मीडिया पर्सनैलिटी अ नेटिव ऑफ बिहार हैज रिसीव्ड द मैगसेसे अवार्ड फॉर ईयर 2019 के लिए? मैगसेसे अवार्ड किसको मिला है बिहार के जर्नलिस्ट में? तो ये मिला है रवीश कुमार को। विच पुअर गर्ल फ्रॉम बिहार इज द रिसिपियंट ऑफ वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड कन्फर्ड बाई द वुमेन वर्ल्ड समिट फाउंडेशन फॉर अपलिफ्टिंग हर कम्युनिटी? ये अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है छोटी कुमारी सिंह को। द फिफ्थ इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज बाई द इंडियन फाउंडेशन इन कोलेबरेशन विद द नालंदा यूनिवर्सिटी ऑन 27-28 जुलाई 2019 इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन या सिटी? कहाँ पर अरेंज हुआ था? और आपने न्यूज़ पढ़ा तो सबको पता है राजगीर में हुआ था जो कि पहली कैपिटल थी। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम द बिहार हैज़ बीन कन्फर्ड द भारत रत्न अवार्ड? इसमें से भारत रत्न अवार्ड किसको मिला हुआ है? ये मिला है राजेंद्र प्रसाद जी को। इन टोटल हाउ मैनी मेडल्स इंडिया वोन इन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स हेल्ड इन अगस्त एंड सेप्टेम्बर? तो इसमें से टोटल मेडल की बात कर रहे हैं, टोटल मेडल हाउ मैनी मेडल्स, तो ये पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, ओलंपिक की बात नहीं। पैरा ओलंपिक में कितने जीते थे? तो टोटल मिला के 19, सभी मिला के ब्रॉन्ज गोल्ड सिल्वर सब मिला के 19। वट इज सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट? ये बहुत न्यूज़ में है और ये हर एक एग्जाम में एक ना एक बार आ ही जाता है। मतलब जो डेवलपमेंट चल रहा है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया का, लोकेशन नियर राजसेना हिल्स न्यू दिल्ली, मतलब जो पार्लियामेंट नया बन रहा है उस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसमें सब कुछ डेवलप किया जा रहा है। गुड गवर्नेंस डे विच कमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इज सेलिब्रेटेड एवरी डे ऑन? अटल बिहारी वाजपेयी जी का
जन्मदिवस मनाया जाता है, तो जन्मदिवस कब है? 25 दिसंबर को। द हाइएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड इज बिल्ड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो ये हाइएस्ट है, रेलवे ब्रिज है, याद रखिए, इसमें हाईवे ब्रिज नहीं है, ये रेलवे ब्रिज है। तो ये कौन से रिवर पे बनाया जा रहा है? तो ये है चेनेब रिवर पे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? इसमें से किसने लॉन्च किया था वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को? लॉन्च करने वाले थे रामविलास पासवान जी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड इन 2014 एंड इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम आर रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है इंद्रधनुष, चाहे वो 3.0 है, 3.0 है, या फिर जो फर्स्ट मिशन था 2014 में जो लॉन्च हुआ था, ये किससे संबंधित है ये पूछा है सिर्फ। तो ये इम्यूनिटाइजेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड और वुमेन के लिए था, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। इन विच स्टेट हैज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अनअर्थ 1900 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री? कौन से स्टेट में इनको मिला है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फाउंड किया है, 900 साल पुराना है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है? तो ये झारखंड में मिला है। ये था सॉल्यूशन, उम्मीद है आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा, आप लोग आंसर मैच कीजिए, हो सकता है इसमें 2-4 क्वेश्चन गलत हो तो आप उस हिसाब से टैकल कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।